आप जानते हैं कि आज क्या दिन विशेष है? 1 अगस्त साहित्य सम्राट अन्नाभाऊ साठे इनका जयंती दिवस। क्या आप साहित्य सम्राट अन्नाभाऊ साठे जी के बारे में जानकारी रखते हो? क्या आपको उनके बारे में जानकारी है? नहीं है तो आप इस ब्लॉग को ज़रूर देखते रहिए। कैसे हो सम्राट? नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। मैं तुषार अड़कने सोशल डिज़ायर और इस चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज के नए ब्लॉग में नई जानकारी के साथ में हाजिर हो गया हूँ। आज है 1 अगस्त और 1 अगस्त 1 अगस्त यानी कि साहित्य सम्राट अन्नाभाऊ साठे इनके जयंती दिवस। उनके ऊपर कुछ जानकारी आपको मैं साझा कराना चाहता हूँ। अन्नाभाऊ साठे का जन्म महाराष्ट्र के सांगली जिले के वालवा तालुका के वाटे गांव में हुआ। 1 अगस्त 1920 को दलित मातंग परिवार से वो बिलोंग करते थे। बचपन में उनका नाम तुकाराम रखा गया, बाद में वे अन्नाभाऊ के नाम से जाने गए। उनके पिता भाऊ साठे व माता कालूबाई थी। वह विश्वविख्यात साहित्यिक थे। वह महज एक दिन के लिए स्कूल गए, लेकिन इसी एक दिन की सीख ने उन्हें सामाजिक प्रताड़ना की अवहेलना सहने की दीक्षा दे दी। मूल रूप से मराठी में लिखने वाले अन्नाभाऊ के कलम की ताकत इतनी थी कि विश्व के 27 भाषाओं में उनकी रचनाओं का अनुवाद किया गया। अन्नाभाऊ साठे प्रतिबद्ध रचनाकार थे और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के आंदोलन से भी प्रभावित थे। वे शोषण और धर्म प्राखंड के विरोधी थे। 1936 से 1937 में अन्नाभाऊ दलित युवक संघ के महासचिव चुने गए थे। रशियन क्रांति का उन पर प्रभाव था। मूल रूप से मराठी में लिखने वाले अन्नाभाऊ के कलम की ताकत इतनी थी कि विश्व के 27 भाषाओं में उनकी रचनाओं का अनुवाद किया गया। इस साहित्य सम्राट को मराठी का मैक्सिस गोर्की कहा जाता है। और अन्नाभाऊ साठे जी के जयंती दिवस के उपलक्ष्य में मैं अपने सभी बहुजन समाज को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। आज के ब्लॉग में इतना ही रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय भीम, जय अन्नाभाऊ, जय भारत।